भाई साहब, कल की 2898 ये इंडियन सिनेमा की ऐसी बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट रेवोल्यूशनरी मूवी होने वाली है, जहां से इंडियन सिनेमा का दौर बदल जाएगा, एक नया दौर देखने को मिलेगा। वही चीज जब बाहुबली मूवी आई थी, उसके बाद जो इंडियन सिनेमा में भाई साहब दौर बदला है, वैसी मूवीज का जो ट्रेंड आया है वैसा ही ट्रेंड दोबारा से फिर देखने को मिलेगा। मतलब हिस्ट्री रिपीट होने वाली है और सेम 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 हीरो के द्वारा, कौन, अपने प्रभास के द्वारा। जो चीज, जो लेगेसी उसने वहां कंप्लीट करी थी या फिर गेन करी थी, वही लेगेसी यहां पर अचीव करने वाले हैं। क्योंकि भाई साहब, ये नाम ही काफी है, ये नाम ही काफी है किसी भी ऑर्डिनरी चीज को एक ब्रांड में बदलने के लिए, और ये ब्रांड में बदलते नजर आ रहे हैं। और ये सारी चीजें भाई बिल्कुल भी हवावाई नहीं है कि इतनी क्यों फेंक रहे हो भाई। अभी मूवी आई भी नहीं है, ना टीजर ड्रॉप आउट हुआ है, ना कुछ हुआ है, और तुम लंबी लंबी पहले ही आंक रहे हो, तो भाई साहब ये बिल्कुल हवा हवाई बातें नहीं है। इसके पीछे प्रूफ है, दैट्स वाई कि हम ये सारी चीज़ें प्रॉमिसिंग वे में बोल रहे हैं, क्योंकि भाई प्रॉमिस मिल रहा है मेकर्स की तरफ से। एक मेकर को अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पता होती है, किस हद तक उसकी वैल्यू होने वाली है, किस हद तक उसमें प्योरनेस है, भाई वो कॉन्फिडेंट होते हैं। अगर मैं मेकर हूँ और मुझे अपने प्रोडक्ट का वैल्यू मालूम है कि इसमें कितनी हद तक की क्वालिटी है, तो भाई मैं उसकी डिमांड करूँगा और मैं उसके लिए कॉन्फिडेंट रहूँगा। और ऐसी चीज़ें हम पहले भी देख कर आ चुके हैं, मेकर्स फुल कॉन्फिडेंट हैं भाई, डिमांड कर रहे हैं, मुंह खोल के डिमांड कर रहे हैं। अभी तक पोस्टर के अलावा एक खाली ग्लिम्स ही निकाला था, टीजर भी ड्रॉप आउट नहीं हुआ है, टीजर पे काम चल रहा है, टीजर में मतलब कटिंग वगैरह चल रही है, जो हमें अराउंड अगले महीने यानी अप्रैल में 10th या फिर 15th अप्रैल के आसपास देखने को मिल जाएगा। लेकिन भाई साहब, उससे पहले ही ये अपने राइट्स की डिमांड कर रहे हैं, और ह्यूज ह्यूज डिमांड कर रहे हैं। इतनी तो शायद बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी नहीं होती है जितनी की डिमांड कर रहे हैं, और नो डाउट डेफिनेटली जितनी ये डिमांड कर रहे हैं उससे दोगुनी तीगुनी ये रकम देके जाएगा, बाय गॉड। क्योंकि सैटेलाइट साइट, डिजिटल राइट एंड ऑडियो राइट्स बेचने की मांग चल रही है कल की 2898 के मेकर्स के द्वारा, और उन्होंने फाइन फाइन डिमांड रखी है। वैसे मैं अगर बताऊं तो साउथ की ओटीटी राइट्स के लिए अगर बताऊं, ओटी मतलब साउथ ओटीटी लैंग्वेज के लिए 200 करोड़ की डिमांड कर रखी है इन्होंने। हिंदी ओटीटी के लिए लैंग्वेज के लिए लगभग 175 करोड़ की डिमांड कर रखी है, और शायद नेटफ्लिक्स को ये सोल्ड करने वाले हैं। हिंदी थिएटिकल राइट्स की बात करें तो 135 करोड़ की मांग कर रखी है हिंदी लैंग्वेज के लिए, एंड तेलुगु थिएटिकल राइट्स की बात करें तो लगभग 200 करोड़ की मांग वहां पर कर रखी है, एंड अदर थिएटिकल राइट्स की बात करें तो 55 करोड़ के आसपास उन्होंने वहां मांग कर रखी है। देन सैटेलाइट एंड ऑडियो राइट्स की बात करें तो 125 करोड़ की डिमांड कर रखी है। सारी चीज़ें, इन सारी डिमांड को मिलाकर बनता है लगभग 890 करोड़ के आसपास ये भाई डिमांड कर रहे हैं। एंड हु नोज, ये शायद सोल्ड आउट भी हो चुका होगा या हो जाएगा एक आध दिन में ही, लेकिन भाई साहब ये डिमांड चल रही है, और ये कोई छोटी मोटी डिमांड नहीं है। इतने में तो बहुत सी मूवीज बन जाएंगी साल की, आई थिंक 10 मूवी बन जाएंगी जितनी ये सिर्फ डिमांड कर रहे हैं। उसके बाद जब ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फटेगी तो क्या सिर्फ इतना ही कमा के लेके जाएगी 1000 करोड़? भाई साहब नहीं, लगभग 2500-3000 करोड़ का आंकड़ा माना जा रहा है, वो भी मिनिमम। क्योंकि भाई मेकर जब कॉन्फिडेंट है तो हमें भी वहाँ से ट्रस्ट बनता है, प्रॉमिसिंग बनता है कि भाई जो भी आएगा, और जो ग्लिम्स आया था वो प्रॉमिसिंग था। देन उसके बाद अभी टीजर आ जाएगा तो आगे की कहानी और पता चल जाएगी कि ये कितना प्रॉमिसिंग है, क्या वाकई में इतना सब कुछ मिलेगा जितने ये मुंह खोल के डिमांड कर रहे हैं। बाकी भाई साहब मूवी पोस्टपोन हो चुकी है, ऑफिशियली आ ही गया है, अभी तक तो खैर नहीं था, लेकिन भाई मूवी पोस्टपोन अब हो ही चुकी है। लगभग जून में तो नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन हाँ जुलाई प्रॉमिस कराया जा रहा है कि जुलाई में मूवी मिल जाएगी, वो भी कन्फर्म नहीं है कब मिलेगी, एंड 2-3 दिन के अंदर ही हमें एक बिग अपडेट भी मिल जाएगी कि भाई साहब एक्चुअली मतलब मूवी की रिलीज डेट क्या होगी, इसके बारे में भी रूमर्स चल रहे हैं। तो अभी फिलहाल उड़ती खबर ये भी आ रही कि या तो जुलाई 5 को, मतलब 5 जुलाई को भी अच्छा प्रॉमिसिंग लग रहा है कि भाई साहब इस दिन मूवी आ सकती है। देन उसके बाद 10th of July एंड 15th of July ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि 5th of July को मूवी हमें मिलेगी। फिर वो तो ऑफिशियली जब मेकर्स के द्वारा रिवील आउट होगा तभी पता चलेगा। बाकी इससे जुड़ी और भी क्या अपडेट मार्केट में चल रही है कल की 2898 से जुड़ी, फिलहाल तो मेरी नज़र में यही थी जो बिग अपडेट्स थी जिनको शेयर करना मुझे लगा कि जरूरी है भाई साहब बताना चाहिए, क्योंकि फैंस इंतजार कर रहे हैं। मूवी अभी तक नहीं आई है, मूवी का कुछ अता पता नहीं है कि आनी भी है या नहीं भी आनी है, क्योंकि मेकर्स का क्या जा रहा है, वो कह देंगे भाई साहब पोस्टपोन होगी और हम क्या ले लेंगे, कुछ नहीं ले लेंगे, बस वेट है हमारे नसीब में और वो वेट ही रहेगा। तो और आप लोग कितना इंतजार कर रहे हैं इस मूवी के लिए, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। बाकी आपको हिसाब से टीजर कब आ सकता है, क्योंकि पोस्ट प्रोडक्शन का काम अभी खत्म नहीं हुआ है, काम चल रहा है, लेकिन टीजर पे भी जो कटआउट लग रहे हैं, जो लग रहे हैं उस पे भी काम चल रहा है, तो हू नो जल्दी भी देखने को मिल जाए। फिलहाल मैं मान के चल रहा हूँ 10-15 अप्रैल के आसपास देखने को मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर, जय हिंद।